तो हेलो दोस्तों, मैं रवि वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड इज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी 5 प्रो में अगर आपका पासवर्ड, पिन, पैटर्न कुछ भी अगर आपका लॉक हो गया है और आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो किस तरीके से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में भी इस तरीके से पासवर्ड वाला ऑप्शन आया था। अगर आप पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं तो आपका कुछ भी काम नहीं करता है, तो इससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इसी के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसको अनलॉक करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा और ये बिल्कुल लाइव में दिखाऊंगा किस तरीके से ये होता है। तो दोस्तों बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप अपने फ़ोन में जो भी आपका फ़ोन हो, चाहे रियलमी 5 हो या 5 प्रो हो, ये दो ही में आपका काम करेगा। ओके ना, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक बार अपना फ़ोन जो है दो तीन बार इस तरीके से आप लॉक अनलॉक कर लीजिए। अब आपको करना क्या है कि आप ऊपर इस तरीके से कर लीजिए और फिर बैक कर लीजिए। अब आपको करना है कि आप यहाँ पे आपको फ़ोन जो है यहाँ पे ऑफ़ कर देना है। जी हाँ, तो आपको अपना फ़ोन जो है कम्प्लीटली ऑफ़ कर देना है। ओके, अब कम्प्लीटली ऑफ होने के बाद आपको एक रन करना है। मैं बताऊँगा किस तरीके से इस चीज़ को रन करना है। आपको करना ये है कि आपको जो है अपने फ़ोन में पहले तो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने पावर वाले को प्रेस किया और जैसे ही आपका फ़ोन वाइब्रेट हो जाए आपको वॉल्यूम डाउन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही ये रियलमी का देखिए आपको पावर वाला हटा देना है। अगर आपको समझ में ना आए आप बैक करके फिर से मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। आप वही चीज़ को करेंगे तभी आपका यहाँ पे रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सामने में दिखेगा, तीन लैंग्वेज दिखेंगे, आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे। ओके, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे आपको क्लिक कर लेना है और ध्यान रहे ये जो वर्जन है 1.2 या 1.2 से अपर हो लेकिन लोअर ना हो। अगर 1.1 हो फिर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, आपका फ़ोन जो है अनलॉक इस मेथड से नहीं हो पाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चले जाना है इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्रॉम फोन स्टोरेज। ओके, फ्रॉम फोन स्टोरेज पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे .msc वाले ऑप्शन पे देखना है कि उसके नीचे कौन सा फोल्डर आपका क्रिएट हो रहा है। हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, आपके फ़ोन में अलग अलग कोई मूवी या म्यूजिक कुछ भी हो सकता है लेकिन इसके नीचे वाले पे ही आपको जाना है। ओके, नीचे वाले फोल्डर पे हम यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। ओके, वीडियो समझ में ना आया बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है अनलॉकर वाले फोल्डर पे। अनलॉकर वाले फोल्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिक कर लेना है। मात्र आपको यहाँ पे 5 सेकंड का वेट करना है। ओके, 5 सेकंड के वेट करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है बैक। तो हम यहाँ पे बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे एक दो ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना, तो आपको चले जाना है ऐप मॉनिटर वाले का ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको अगर आपका स्क्रीन का पासवर्ड है तो उसके लिए आप ये स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका फ़ोन का डिजिटल वाला पासवर्ड है, नंबर वाला पासवर्ड है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, अगर आपको वही कॉम्बो है, दोनों है, तो सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन में ये पासवर्ड वाला है तो हमको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है कि एक है नॉर्मल, एक है ब्लॉक। तो नॉर्मल वाला मैं फिर कभी इसके बारे में बता दूंगा, अभी आपको नॉर्मल वाले पे काम नहीं करना है। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे देखिए ब्लॉक करके एक ऑप्शन आ रहा है। ब्लॉक से क्या होता है कि आपके फ़ोन में जो भी पासवर्ड, पिन ये होते हैं, ये सभी को ब्लॉक कर देगा यहाँ से। ओके, तो ब्लॉक वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ भी 5 सेकेंड का वेट कर लेना है। ओके, तो हम यहाँ पर इस पर ब्लॉक वाले पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस हमारे यहाँ पे रन हो रहा है। जो भी आपके फ़ोन में पासवर्ड है, पिन है, ये सारे यहाँ रिमूव हो रहे हैं, तो आपको वेट कर लेना है 5 से 7 सेकंड का। 5 से 7 सेकंड वेट करने के बाद आपको फिर से बैक चले जाना है। बैक बैक बैक
बैक एकदम चले जाना है, मेन मेन्यू पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको रिबूट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। आप पावर ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपको दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो रिबूट पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन डायरेक्टली ऑन हो जाएगा और जो भी आपके फ़ोन में पासवर्ड हैं, पिन है, वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रिबूट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब हमारा फ़ोन जब भी रिबूट हो जाएगा तो आपके फ़ोन में जो भी पासवर्ड है, पिन है, वो सारे खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा और डायरेक्टली आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके ना। तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ओके। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है यहाँ पे कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी है। जो भी हमारे ऐप्स थे, जो भी हमारे फोल्डर्स थे, डेटा थे, सब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है माइंड इज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।